Good morning students, we are going to start partial differential. So इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, first chapter में हमारे पास partial differential equation of first order में what is differential equation and then what is partial differential equation. So equation जिसमें हमारे पास derivatives होते हैं first order, second order and so on, that equation is differential equation. What is partial differential equation? So partial differential equation में हम क्या कह रहे हैं, when like z है हमारे पास if function of x and y, then we are taking derivative of z का x के साथ भी और y के साथ भी. So उसको हम क्या कहेंगे, curly z by curly x and curly z by curly y. So वो हमारे partial derivatives हैं, because हम z का ही with respect to x और y हम derivative ले सकते हैं, because that is a function of x and y. So वो हमारे क्या है, partial derivatives. हम क्या कहते हैं, dy by dx, बिकॉज हमारा फंक्शन क्या होता है, एक ही का वेरिएबल का होता है, लाइक dy by dx. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट z, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, देन वी कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज y. सो वो हमारे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव. सो जो इक्वेशन हमारी पार्शियल डेरिवेटिव्स की होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट when a differential equation contains one or more partial derivatives. हमारी equation एक या उससे ज्यादा partial derivative contain कर रही है of an unknown functions of two or more variables. दो variables हैं या उससे ज्यादा variable है. So वो ही equation जो है हमारी क्या बन जाती है, partial differential equation. Like if we have z is a function of x and y, then we can take derivative of z with respect to x as well as y. And अगर कोई और variable भी, then we can take derivative of z with respect to that variable. So these are derivatives are partial derivatives. So हम उसे लिखते क्या है, curly z by curly x, curly z by curly y and so on. So वो हमारे partial derivatives आ जाते हैं. और जो equation partial derivatives contain करती है, चाहे वो एक है या दो है या उससे ज्यादा है, then that equation is called partial differential equation. So हमारे पास derivatives कौन से exist करते हैं, curly z by curly x, curly z by curly y. curly क्यों कह रहे हैं, because partial derivatives की बात कर रही है. ऐसे back double derivative हो सकते हैं, cos square z upon curly x square, curly z square upon curly y square, और एक और हमारा क्या रह गया, curly square z upon curly x curly y. ये जो है हमारे partial derivatives exist करते हैं first order second order के, जो क्या है हम z के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y जो क्या है फाइंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हम इनको क्या इक्वेशन देखते हैं, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम p कहते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू y जब क्या है वो है हमारा स्मॉल q. और जब हमने सेकंड डेरिवेटिव्स की बात करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू x इज r एंड विद रिस्पेक्ट टू y इज c, एंड विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन y इज इक्वल टू s. सो ये जो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है p q r s t, पी और क्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए या सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास आर एस और टी है, जो हम इनको डायरेक्ट यूज करते हैं. और जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, पी क्यू आर एस एस टी की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं. सो दीज आर दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल जो हमने फाइंड किए हैं ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. नेक्स्ट इज ऑर्डर क्या होता है, हमारी जो नाउ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसमें हाइएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं. ऑर्डर मीन्स वी हैव टू चेक द हाइएस्ट डेरिवेटिव क्या है हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव. जो हमारा हाइएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इस इक्वेशन में अक्सर कर रहा है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. और अगर जो हमने हाइएस्ट डेरिवेटिव देखा, अब उसकी पावर चेक करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री. डिग्री इज एक्सपोनेंट ऑफ हाइएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव का जब हम एक्सपोनेंट चेक करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फॉर ऑर्डर वी हैव टू चेक हाइएस्ट डेरिवेटिव, एंड फॉर जो डिग्री हमने है उसमें उसी हाइएस्ट डेरिवेटिव का जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट चेक करना है. सो दैट इज डिग्री ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट इज लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं. नाउ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर. कब लीनियर कहा जाता है, जब इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री. अगर उसके डेरिवेटिव जो फर्स्ट डिग्री में आ रहे हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हुई है एंड आर नॉट टू बी मल्टीप्लाई टूगेदर इन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कब क्या हो
होती है जब उसके डेरिवेटिव्स जो फर्स्ट ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हुई है. लाइक इफ वी हैव कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स की होल स्क्वायर, सो हम उसको रीराइट क्या कर सकते हैं, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, तो वो क्या होगा, एक तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगी. सो दैट इज नॉट लीनियर, हमें मल्टीप्लाई की टुगेदर की फॉर्म में नहीं चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल इफ जेड एंड कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हुए, दिस इज ऑल्सो नॉट लीनियर. सो हमारे यहाँ जो क्या है वो इक्वेशन लीनियर ना होकर वो क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी. अदरवाइज दैट इज नॉन लीनियर इक्वेशन. अब एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, द ऑर्डर डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर हमारी इक्वेशन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है. फर्स्टली वी हैव कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स माइनस फाइव कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू टू जेड प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस टू वाई. हमने सबसे पहले इसमें ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव. हम थ्रू आउट इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, सो इट्स ऑर्डर इज वन. अब इसके बाद जो हमारा डेरिवेटिव है इसके जो एक्सपोनेंट है डेट इज ऑल्सो वन, सो डिग्री इज वन. और इसमें कोई भी हमारा जो फंक्शन है मल्टीप्लाई टुगेदर की फॉर्म में नहीं है, सो ये हमारी क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डर वन डिग्री वन एंड इट्स इट इज लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट इज अब इस इक्वेशन में चेक करते हैं हम अनदर इन अनदर एग्जांपल वी हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, सो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, टू. व्हाट अबाउट डिग्री, हम अभी सी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की डिग्री चेक करते हैं. तो अगर कोई भी आप देख रहे हो इसमें हमारे पास सभी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं इसमें डिग्री हमारी क्या आ रही है, वन. उसका एक्सपोनेंट क्या आ रहा है हमारे पास, वन. अब हमें ये चेक करना है दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड दिस इज डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो ये होल स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव्स है, सो दिस इज लीनियर. और अगर यही होल स्क्वायर की फॉर्म में होता देन हम क्या कहते हैं कि दे आर इन मल्टी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई टूगेदर, देन दैट इज नॉट लीनियर. बट ये हमारे पास क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट अब इसको हम चेक करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का स्क्वायर आ रहा है और जेड भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें दिस इज नॉट ए लीनियर, ये हमारे लीनियर नहीं है, ये हमारे नॉन लीनियर. अब हम डेरिवेटिव चेक करते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड उसका ऑर्डर. ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो वन ही है, बट उस डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं दैट इज टू, जिसमें सिर्फ डिग्री इज, सो ऑर्डर इज वन डिग्री इज टू, बट दिस इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर हम इसको आप सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, जो हमने सिंबल्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स हमारा क्या होता है, स्मॉल वी, दिस इज स्मॉल वी माइनस फाइव क्यू इज इक्वल टू टू जेड प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस टू वाई. सो हम इसको भी रीराइट कर सकते हैं, ये इसको हम क्या लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या था, आर माइनस इसको हमने दिया था जो हमारी जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एस प्लस थ्री टी इज इक्वल टू जीरो. एंड लास्टली दिस इज जेड, जेड का एक्स के साथ डेरिवेटिव है, सो वो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, स्मॉल पी, और उसका क्या है, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो ये जो है हमारे हमें इसको पी क्यू आर एस और टी की फॉर्म में इसको सिंबॉलिक जो हमारे सिंबल्स मिले हुए हैं उस डेरिवेटिव के उस फॉर्म में भी इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So this is order derivative and equations are linear or non-linear. What are partial differential equation? Now next is to form a partial differential equation. एक partial differential equation हम बनाएंगे कैसे, उसको हमने form कैसे करना है, उसके पास उसके लिए हमारे पास दो तरह के जो है वो methods हैं. First is by eliminating constant from the given relation between variables. So, सबसे पहला जो है हमारा जो क्या है जिसे हमने फाइंड करना है वो हमारा क्या है, हमने उसमें से एलिमिनेट करने हैं कॉन्स्टेंट्स. हम चेक करेंगे हमारे इक्वेशन में कितने कॉन्स्टेंट है, उसी इक्वेशन को कितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन वी एलिमिनेट कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट्स को हमने इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है, देन वी गेट अवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और सेकेंड मेथड क्या है, बाई एलिमिनेटिंग आपके फंक्शंस क्या है फ्रॉम गिवन रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. हमारी इक्वेशंस में फंक्शन जो है उनको एलिमिनेट करने और एलिमिनेट करने के बाद देन वी गेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन,
बाय एलिमिनेटिंग आपके कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, उनके वैल्यूज फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड बाय एलिमिनेट आपकी फंक्शंस, फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे और जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।